ये हाइड्रोलिक लिफ्टिंग टेबल है जो मेंटेनेंस पर्पस के लिए बनाई गई है। इसकी टोटल ओपन हाइट है ज़मीन से 12 फुट और क्लोज हाइट है 2 फुट। इसका जो प्लेटफॉर्म साइज है वो है 4 फुट बाई 6.5 फुट और इसकी जो मशीन की पूरी लंबाई है वो लगभग 8 फुट के करीब है। ये ज़मीन से 12 फुट हाइट हो गई है। इस पे 3 आदमी 4 आदमी ऊपर नीचे जा सकते हैं। 500 किलो वेट कैपेसिटी है इसकी। अभी पूरी क्लोज हो गई है और इसकी ज़मीन से जो क्लोज हाइट है वो है 2 फुट। इसमें ये रिमोट लगा हुआ है, इसमें 2 बटन हैं, एक अप के लिए है और एक डाउन के लिए है। अगर अप वाला बटन दबाएंगे तो मशीन ऊपर जाएगी और जब डाउन का बटन दबाएंगे तो मशीन नीचे आएगी। और इसमें ये तार लगी हुई है, मशीन जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये तार उसी के साथ ऊपर नीचे होगी। ये हमारा इसमें पावर पैक लगा हुआ है जिसमें 3 फेज की मोटर है 2 HP की और इसमें हमारा ये ब्लॉक लगा हुआ है जिसमें सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है 240 वोल्ट का और इसमें ये हॉस पाइप है। इसमें ये एक स्टार्टर लगा रखा है और ये 2 बजर लगा रखे हैं, एक बजर अप में काम करेगा और दूसरा बजर डाउन में काम करेगा। दबाओ जरा, ये अप में काम करेगा और नीचे करो, ये डाउन में काम करेगा। और इसमें ये आगे वाले व्हील मूवेबल हैं और पीछे वाले व्हील फिक्स टाइप हैं, 8 इंच के व्हील हैं नायलॉन के, डबल बॉल बेयरिंग लगे हुए हैं इसमें। और इसमें हमारी ये ब्रेक है, ये ब्रेक एडजस्टेबल है जो हम अपने काम के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। ये पीछे कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लोज पोजीशन में और ये बिल्कुल ओपन पोजीशन में है। और इसको जब टाइट करेंगे तो ये ग्राउंड पकड़ लेगी जिससे कि मशीन हिलेगी नहीं। इसमें 4 ब्रेक लगे हुए हैं, 2 पीछे और 2 ब्रेक आगे लगे हुए हैं। और इसमें एक ये मेन सप्लाई दे रखी है विद सॉकेट, जब इसको हम निकालेंगे जब ये सॉकेट निकाल लेंगे तो फिर मशीन को हम कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं, हमें तार को नहीं संभालना पड़ेगा। और जहाँ मशीन चलानी होगी तो वहाँ पर हम इसको सॉकेट को दोबारा से लगा देंगे। ये मेन सप्लाई है, 5 पिन का इसमें लगा हुआ है, 3 फेज और 1 न्यूट्रल। ये इसमें ऊपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इसमें हमारे 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं जो मशीन को लिफ्ट करते हैं। और इसमें हमारा ये एक लिमिट स्विच लगा हुआ है जो इसकी टॉप हाइट को कंट्रोल करता है। जब मशीन 12 फुट की हाइट पर जाती है तो ये मोटर को ऑफ कर देता है जिससे कि मशीन ऊपर नहीं जाती है। और इसमें हमारा एक सेफ्टी के लिए ये फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई मिस हैपनिंग होती है जैसे कि पाइप वगैरह फटता है या फिर
मोटर काम नहीं करती है या कहीं से लीकेज वगैरह होती है, तो फिर ये मशीन को बिल्कुल स्मूथली डाउन करेगा, कोई भी एक्सीडेंट का चांस नहीं होगा इसकी वजह से। मशीन जैसे ऊपर जाती है वैसे ही प्रॉपर नीचे आएगी। एक आदमी इसको आराम से मूव कर सकता है मशीन को। मूवमेंट भी इजी है इसकी।